ठीक है। सो बोलना है, बोल दिया, आगे गए, आगे गए, आगे गए, आगे गए, आगे आगे। अब आपको बंद कब करना है, यहाँ से टच करना है इसको और इसको, फिर शुरू हो गया, फिर आपस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। मैं संजू शर्मा आज आपको वार्षिक पाठ योजना की बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हिंदी शिक्षण का बताया था, इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत के पाठ योजना के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आपके फाइनल लेसन की डायरी आपको किस तरीके से बनाना है उसमें आपको बहुत ही सहयोगिता प्रदान करेगा। वार्षिक पाठ योजना के लिए हमारा थोड़ा सा जो पैटर्न होता है वो दैनिक पाठ योजना के, दैनिक पाठ योजना से थोड़ा सा अलग होता है, इसीलिए हमने ये पाठ योजना, वार्षिक पाठ योजना के बारे में आपको बताना चाहा कि किस तरीके से आपको जो आपका फाइनल लेसन होगा उसमें आपको किस तरीके से डायरी बनानी है। सर्वप्रथम विद्यार्थियों, हमने देखा है हमारी जो डायरी हो, डायरी का फर्स्ट पेज है बाहर में, तो आपको वहाँ पर अपने सत्र भी लिखना है, सत्र के साथ स्टूडेंट के नेम लिखना है, फिर आपको अपनी शिक्षण विषय का नाम लिखना है, आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं। ये सभी पूर्ति आपको आपके जो बाहर पर जो हमारी डायरी का प्रथम होता है भाग, उसमें आपको लिखना है। इसके बाद में बच्चों, हम जो हमारी पाठ योजना बना रहे हैं, पाठ योजना में जो सभी डायरियों में बनाते हुए आ रहे हैं, वैसे ही हमको इसका जो प्रथम पेज है वो हमें से खाली रखना है, वहाँ से हमें से शुरू नहीं करना है। फिर हम जब सेकंड पेज पर हम आते हैं, तो हमारा जो सेकंड पेज का राइट साइड से हम लिखना प्रारंभ करेंगे, वहाँ पर भी हम वही सबसे पहले शामपट आपूर्ति करेंगे, जिसमें हम दिनांक, कक्षा, विषय और हमारा प्रकरण, कालांश और समय अवधि, ये सब हम इसमें मेंटेन करेंगे। साथ में हमारे प्रकरण को हम अंडरलाइन करेंगे, ये सब हम इसमें लिखेंगे। अब ये हमारी संस्कृत विषय का है, इसीलिए इसमें देखा है हमने जो गद्य विधा है उसी में हमें किस तरह से प्रकरण लिखा हुआ है हमारा संस्कृत दिवस। जब हम शामपट आपूर्ति पूरी करते हैं, उसके बाद में हम हमारे विशिष्ट उद्देश्य पर पहुँचते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में वही हमें सबसे पहले जो कॉलम बनाना होता है, एक तरफ हम लिखेंगे शिक्षण उद्देशानी, और इसके बाद में हम जो कॉलम बनाएंगे सेकंड, वो है हमारा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनानी, ये हम इसमें लिखेंगे। लिखने के बाद में हम जो करते हैं, प्रथम शिक्षण उद्देश्य में हमारा ज्ञानात्मकम, जिसके दो पार्ट हैं, भाषा तत्वानाम ज्ञानम प्रदानम और सेकंड है विषय वस्तु ज्ञानम, इनके हमें दो दो बिंदु या हम एक एक बिंदु भी इसमें लिख सकते हैं, ये हम अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे। सेकंड शिक्षण उद्देशानी है हमारे अर्थ ग्रहणात्मक, यानी कि अर्थ ग्रहणात्मक, जो कि किस तरीके से हम इसका अर्थ को ग्रहण करते हैं, उसके भी हमें दो बिंदु लिखने हैं। फिर है हमारा थर्ड अभिव्यक्त्यात्मकम, जिसमें हमें दो पार्ट है इसके, क्या है हमारा मौखिकम, सेकंड है हमारा लिखितम। इस तरीके से इसके हमें एक एक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाने हैं। फोर्थ है हमारा अभिरुचियात्मक, इसके भी हमें एक या दो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाने हैं। इसके बाद में हम हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है इसमें अभिव्रतात्मकतम, इसका हमें वही दो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखने हैं। और लास्ट में है हमारा कौशलात्मक, यानी कि लास्ट वाला ये है, इसके भी हमें दो या एक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखना है। इसके बाद में आता है हमारा सहायक सामग्रम, कि कौन कौन सी हम सहायक सामग्री काम में लेते हैं उसका हमें यहाँ पर लिखना है, कि हमने क्या क्या सहायक सामग्री काम में ली है। अगर हमने कोई सीढ़ी बनाई है तो उसके बारे में हमें लिखनी है, यानी कि हमें जिस तरीके से हमने जो लेसन बनाने में जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करना है उसके बारे में हमें लिखना है। और साथ में अगर हमने सीढ़ी या किसी में हमने लेसन बनाया, तो उस सीढ़ी का भी हमें
हमें इसमें मेंटेन करना है, इसमें लगानी है। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञानम, सहायक सामग्री के बाद हम पूर्व ज्ञानम के बारे में हम लिखते हैं कि जो हमारा प्रकरण होता है उसके बारे में बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है छात्रा संस्कृत दिवस इति विषय सामान्य रूपेण जाननती, यानी कि वो इसके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न, यानी कि प्रस्तावना प्रश्न, हाँ ये संस्कृत की लैंग्वेज है इसलिए इसमें हमें 3 कॉलम बनाने हैं, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया, ये हमें इसके 3 कॉलम बनाने हैं। इसके हमें प्रश्न बनाने हैं 5 प्रश्न, और ये हम जानते हैं कि जो हमारी प्रस्तावना प्रश्न है वो जिग-जैग से बनता है, अर्थात हम आंसर से क्वेश्चन बनाते हैं, और लास्ट में हमारा जो प्रश्न आता है वो हमारा संभावित समस्यात्मक, अर्थात हमें हमारा टॉपिक का नाम आता है, ये हमारा लास्ट समस्यात्मक प्रश्न है जिसका आंसर बच्चे दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। इसके बाद में हम लिखते हैं उद्देश्य कथनम, उद्देश्य कथनम के लिए हम जो हमारा टॉपिक होता है उसके बारे में लिखते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ अध्ययन व्यम संस्कृत दिवस इति विषय पठिष्यामि, यानी जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं, और ये हम प्रत्येक पेज पर कलेक्ट करते हुए जाएंगे कि जो हमारा लेफ्ट साइड है वो हमारा ब्लैंक रहेगा और राइट साइड हमें लिखना है। बाद में आता है हमारे शिक्षण सोपानम, जो हमारे शिक्षण बिंदु होते हैं संस्कृत में। फिर हम एक साइड हम सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं और दूसरी साइड हम क्या करते हैं, हमारे शिक्षण बिंदुओं का वर्णन करते हैं। इसमें जो हम लेफ्ट साइड हमारी सहायक सामग्री लगाते हैं और राइट साइड में हम इसका जो हमारे विषय बिंदु, जो हमारे विषय सोपान होते हैं, हम उनका वर्णन करते हैं। जैसे इसमें प्रथम हमारा है आदर्श वाचनम, यानी कि जिसका बच्चा आदर्श वाचन करता है और उसे लिख के हमें हमारी सहायक सामग्री के रूप में लेफ्ट साइड जो हमारा पेज खाली है वहाँ हमें इसे लगाना भी होता है। फिर छात्र अध्यापक क्रिया में हमें इसके जो कॉलम है वो प्रथम हो गया हमारा शिक्षण सोपानमी, यानी शिक्षण सोपान, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्रा क्रिया, विषय है जो हमारा किस विषय से हम पढ़ा रहे हैं, शाम पट कार्यक्रम, ये हमारे कॉलम इसमें बनते हैं। आदर्श वाचनम हमारा प्रथम शिक्षण सोपानम, सेकेंड हमारा अनुकरण वाचनम, थर्ड है हमारा अशुद्धि संशोधनम, और फिर है हमारा काठिन्य निवारम निवारणम, ये हमारे शिक्षण सोपान चल रहे हैं। फिर हम लिखते हैं बाद में बोध प्रश्नानि, यानी कि जो हमने पढ़ा है उसके अंदर से हमें बोध प्रश्न पूछने होते हैं कि जो हमने पढ़े हैं। फिर है हमारा मौन वाचनम, यानी कि जो विद्यार्थियों को मौन रखकर और पढ़ने के लिए कहा जाता है। फिर आता है सारांश कथनम, यानी कि इस पाठ का सारांश क्या कह रहा है। फिर आते हैं हमारे विचार विश्लेषण प्रश्नानि, इसे हम विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न हम बना भी सकते हैं और नहीं भी, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, इसमें हमारे सबसे मेन बोध प्रश्न होते हैं। जैसे हम और सब्जेक्ट में जो हमारे शिक्षण विषय के अतिरिक्त जो विषय होती हैं, जो संकाय हैं हमारी, उसमें हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम विकासात्मक प्रश्न और बोध प्रश्न दोनों होते हैं, लेकिन हमारे शिक्षण विषय में बोध प्रश्न होते हैं, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न हमारे लिए अनिवार्य नहीं होते हैं। और लास्ट में हमारे होते हैं मूल्यांकन प्रश्न, जो मूल्यांकन प्रश्न हम लास्ट में हमारे मूल्यांकन प्रश्न में हम देखते हैं, हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनाते हैं, रिक्त स्थान वाले प्रश्न बना के, फिर हम लघुतरात्मक प्रश्न बनाते हैं, अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक, और लास्ट में हम जो गृह कार्य के लिए हम निबंधात्मक प्रश्न भी देते हैं। निबंधात्मक प्रश्न जो गृह कार्य के लिए हम फाइनल लेसन में नहीं देते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा लेसन प्लान है इसे आप अच्छे से ध्यान से देखें, जिससे
आपकी गलती होने की संभावनाएं कम रहें। इसी तरीके से हम प्रत्येक संकाय का और प्रत्येक शिक्षण विषय का आपको वार्षिक पाठ योजना बता रहे हैं और इसे आप ध्यान से देखें, जिससे कि फाइनल लेसन में आपकी गलती ना हो और जो आपके प्रैक्टिकल का ये होता है 75 मार्क्स के, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा आप करेंगे उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये कार्य आपके स्वयं के कार्य पर आधारित है। अगर स्वयं आप जितना अच्छा करेंगे आप उतने अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। धन्यवाद।